तो क्या हाल है भी भाई, सुनने और देखने वाली पब्लिक। तो भाई मुनावर फारूकी भाई का ट्रैक आउट हुआ है कलंदर, और इसमें फीचरिंग है मतलब एक्स या फीचरिंग फरहान खान भाई की एल्बम आई थी खान साहब। तो सुनी कि नहीं सुनी वो बताना मुझे। एंड खान साहब एक्स मुनावर फारूकी, तो सुनते हैं भाई। कलंदर ट्रैक का टाइटल है एंड बीट होने वाली है नॉर्न बीट्स। सो सुनते हैं, एक मिनट रुकिए, लगाते हैं ईयरफोन। मुनावर भाई, सही में मुनावर भाई ने भी बहुत वो किया है कि भाई अपना कॉमेडी करने का छोड़ रहे हैं। बहुत सी चीज़ थी न्यूज़ वगैरह में आई, उसके बाद भाई ने ये ट्रैक निकाला। भाई के शो वगैरह भी चालू हो गए, कुछ शो पहले बंद हुए थे ना, उस रीज़न की वजह से भाई बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में आए थे। वो डिटेलिंग बात है भाई, वो डिटेलिंग बात है, वो बाद में बात करेंगे। ट्रैक सुनते हैं कलंदर। Hey, I don't have to travel to my school. I don't have to travel to my school. And I learned so much. इतने इंग्लिश सीखी। नागपाड़ा का राइडर, ट्रैक का नाम भी और नागपाड़े के बंदे हैं भाई। कलंदर। भाई। क्या बात है, क्या बीट है भाई। स्टार्टिंग में बीट ही बता रही है, क्या बीट है। पहले तो वॉल्यूम चेक करें भाई, एंड बीट काफ़ी अच्छी है। अरे भाई आवाज बता, रुक ही गया भाई अभी। मतलब बीट काफ़ी स्टार्टिंग में भाई बता दी भाई बीट ने, काफ़ी अच्छी बीट है। सो ट्रैक सुनते हैं अभी। ये कुछ पॉज हो गया, लैपटॉप स्लो हो गया थोड़ा सा। चल के मैं सड़कों पे बैठा, पलकों पे हर दिन चलाता मैं। चल के सड़कों पे बैठा मैं पलकों पे, भाई स्टार्टिंग की हुक लाइन ही बता रहा हूँ मैं खाली। जो देखो क्या खतरनाक लाइन है, क्योंकि कॉमेडियन बना है भाई। और कैसे स्टार्टिंग कैसे करी थी और कैसे कहाँ पहुंचा, वो चीज भाई ने बताई है। देखो स्टार्टिंग में मैं सड़कों पे बैठा, पलकों पे हर दिन चलाता मैं अपनी ही शर्तों पे। जख्मों से बहता लहू पोछा पर्दों से, मरहम लगाती कलम मेरे दर्दों पे। दुखी जमीन कहती मुझ पे कब बरसोगे, पर मेरा वादा कल मिलने को तरसोगे। देते बिछा मेरे पैरों में मखमल, में रोकू ये कह के जुड़ा अब भी फर्शों से। सपने देखता पर चैन से मैं सोया कब था, हंसा के भूला आखिरी बार मैं रोया कब। हंसा के भूला आखिरी बार मैं रोया कब था, मतलब लोगों को हंसा के आखिरी बार मैं रोया कब था। हंसा के लोगों को खुद की हंसी डबल होगी, ये चीज़ है। देखो स्टार्टिंग लाइन, जुड़ा अब भी फर्शों से। सपने देखता पर चैन से मैं सोया कब था, हंसा के भूला आखिरी बार मैं रोया कब था। आ जाती रौनक महफिलों में मेरे नाम से, इतना नायाब हूँ आज दाम कोई लगा नहीं सकता। बहुत सही, सही में मतलब महफिलों में रौनक आ जाती है भाई के आ जाने से, नाम से ही। और खतरनाक मतलब कि भाई इसकी कोई वो नहीं लगा सकता, रकम नहीं लगा सकता इस चीज़ की। लाइन भी भाई ने बोली है काफ़ी खतरनाक, मतलब रियलिटी जो है वही चीज़ है। के भूला आखिरी बार मैं रोया कब था, आ जाती रौनक महफिलों में मेरे नाम से। इतना नायाब हूँ आज दाम कोई लगा नहीं सकता। गरीब बचपन से लगाई अब शर्त है, फरीद सबसे हूँ आवाज में ही तर्क है। फर्क है मैं चढ़ता नहीं भीड़ लेके, अकेला हक पे मैं पैदा हुआ री। ये भी खतरनाक लाइन है, मतलब फर्क ये चीज है भाई कि बंदा भीड़ लेके नहीं चलता, अकेला ही चढ़ता है। स्टेज पर जब जाता है अकेला ही जाता है बंदा, ये चीज है, रियलिटी है। सही में खतरनाक फर्क है मैं चढ़ता नहीं भीड़ लेके, अकेला हक पे मैं पैदा हुआ भीड़ लेके। बाकी बस सब तो फसाने दर्द के गाँव क्या, सहन में गालिब तो खजाना कोई लाऊं क्या। चुपते मेरे लफ्ज उन्हें बहुत चीर देगी खामोशी, चुप हो जाऊं क्या। सजा के जुगनू देता राहत हूँ मैं रात को, उतारू कागजों पे पूरी कायनात को। आईने भी भाई सजा के जुगनू देता, एक ये लाइन काफी खतरनाक। सजा के जुगनू देता राहत हूँ मैं रात, सजा के जुगनू देता राहत हूँ मैं रात को। सजा के मतलब जुगनू जो होते हैं ना रात को, जो चमकते हैं, ऐसी कुछ लाइन है। सजा के जुगनू देता राहत हूँ मैं रात को, उतारू कागजों पे पूरी कायनात रात को। मतलब जुगनुओं की तरह चमकता हूँ, मतलब रात को लिखता हूँ और फिर अपनी जो बातें होती है वो उतार देता हूँ कागजों पे। ये लाइन है भाई, पूरी कायनात को।
आईने भी टूट जाते मेरा चेहरा देख, उन्हीं टुकड़ों पे लिखता जज्बात को, सर पे जिम्मेदारी ख्वाहिशों को अपनी मारा, सताते कह के सब तो लिया ना सहारा, मानता हूँ मैं हारा हूँ हजारों जंग, खुदा गवाह एक बार भी ना हिम्मत हारा, डूबा खुद में कैसे कोई कुआं रुके, जलते सारे मैं आगे बढ़ता धुआं होके, न कभी देखता आगे क्या मुसीबत है, मेरे पीछे काफिले हैं चलते दुआओं के, मैंने तूफान से लड़के लौ जलाई है, तब जाके रब ने ये नियामत, मैंने तूफान से लड़के ये लौ जलाई है, जो काम है वो तूफान से लड़के लौ जलाई है, तब जाके रब ने नियामत सजाई है, नियामत मतलब तब जाके रब ने ये चीजें दिलाई है, ये समझो भाई पूरी लाइन देखो, पीछे काफिले हैं चलते दुआओं के, मैंने तूफान से लड़के लौ जलाई है, तब जाके रब ने ये नियामत सजाई है, मेरे अंधेरे तो रात से भी काले थे, ख्वाब की खातिर मैंने नींद को आग लगाई है, मेरी कलम मेरी कुवत चाहे मंजिल लिख दे, मेरी हुकूमत मैं लहरों पे समंदर लिख दे, दम इतना मैं मस्त रहता खुद ही मैं खुद की पेशानी पे कलंदर लिख दे, मैं सड़कों पे बैठा पलकों पे हर दिन चलाता मैं अपनी ही शर्तों पे। भाई ये हुक लाइन काफी अच्छी है सही में, आई लव दिस हुक लाइन भाई, स्टार्टिंग ही सही में, कलंदर लिख मैं सड़कों पे बैठा पलकों पे हर दिन चलाता मैं अपनी ही शर्तों पे, जख्मों से बहता लहू पोछा पर्दों से मरहम लगाती कलम मेरे दर्दों पे, दुखी जमीन कहती मुझ पे कब बरसोगे, पर मेरा वादा कल मिलने को तरसोगे, देते बिछा मेरे पैरों में मखमल में, रोकूं ये कह के जुड़ा अब भी फर्शों से, सपनों को जिंदगी दी मैंने खुद को, फरहान खान स्टार्ट हुए, लेट्स गो, ये कह के जुड़ा अब भी फर्शों से, सपनों को जिंदगी दी मैंने खुद को मौत देके, लफ्जों में जान डाली मैंने बस खामोश रह के, जनाजा भारी सीने पे घूमता बोझ लेके, कोहे तूर से भी है मजबूत मेरे हौसले, ये इरादा टूटा नहीं खुदा से जुदा नहीं, दिलों में बसता रब तो कभी मस्जिदों में ढूंढा नहीं, जलू में रोज ताकि दिलों में बसता रब तभी तो भाई मंदिरों में रब ढूंढा नहीं, मतलब क्या लाइन है वाह, खुदा से जुदा नहीं दिलों में बसता रब तो कभी मस्जिदों में ढूंढा नहीं, जलू में रोज ताकि बुझे घर का चूल्हा नहीं, भटकता मैं मुसाफिर पर मैं मंजिलों को भूला नहीं, आंखों से बहता नीला रंग मेरी याश की है, देखा बस गुरूर तुम ना वाकिफ मेरी सादगी से, कलाकार ही बस जाने कैसे उसकी रात बीते, होते ही अंधेरा दिल लगाता बस वो चांदनी से, कलाकार ही जाने मतलब उसकी रात कैसे बीतती है, और अंधेरा होते ही वो दिल लगाता चांदनी से, मतलब माइंड खुलता है अंधेरा होते ही, मतलब रात को सब सो जाते हैं शांति दिमाग में, माइंड खुलता है, कलाकार लिखाई जो करते हैं रात को ही होती है, देखो तुम ना वाकिफ मेरी सादगी से, कलाकार ही बस जाने कैसे उसकी रात बीते, होते ही अंधेरा दिल लगाता बस वो चांदनी से, मैं लिख के बस दिखाता तुझे आईना हूँ, गलती मेरी इसमें क्या की पसंद तुझको आए ना तू, बातें खींच के बनाता मेरा दायरा, क्यों फिर भी गाने डालूं तुझे हर गाने में जायका दूं, बड़ी किताबें नहीं सिखाता मुझे बीता कल, नींद में मैं चलूं ख्वाबों का रहा मैं पीछा कर, पर यह है मैराथन तो कहता धीमा चल, जल्दी तोड़ेगा तो खाएगा फिर कैसे मीठा फल, नजर के भार हूँ मैं सबर के साथ हूँ मैं, ये रैपर मुर्शिद है अदब से मेरे हाथ चूमे, कितनों की हसद और कितनों की बना आरज़ू मैं, खामोश दिलों की छुपी हुई आवाज हूँ मैं, घर का चिराग हूँ मैं, सबको मैं रोशनी दूँ, मंजिल मिलेगी पर सफर से अपने लौटनी तू, तू तेरी सोच से बड़ा है ज्यादा सोचनी तू, बस अपने दिल की सुन तू खो जाता है शोर में क्यों, सीखा है तैरना गमों में मैंने डूब के, पैरों में छाले फिर भी रिश्ता रस्तों से और धूप से, हम भी का खूब कागज को कहते महबूब है, सियाही जान तो छिड़कता हूँ उसे माशूक पे, सड़कों पे बैठा पलकों पे हर दिन चलाता मैं अपनी शर्तों पे, जख्मों से बहता लहू पोछा पर्दों से मरहम लगाती कलम मेरे दर्दों पे, दुखी जमीन कहती मुझ पे कब बरसोगे, पर मेरा वादा कल मिलने को तरसोगे, देते बिछा मेरे पैरों में मखमल में, रोकूं ये कह के जुड़ा अब भी फर्शों से, भाई साहब सही में काफी अच्छी हुक लाइन, बोले तो मोटिवेट करने वाली हुक लाइन है, पहला वर्ड ही भाई काफी कर रहा है सही में, मेहनत मेहनत बोलते हैं वही है भाई, मुनावर फारूकी भाई की लिरिक्स में वही चीज दिखाई देती है, वही चीज सुनाई देती है सही में, मिलने को तरसोगे ये रियलिटी है, वो बोला था ना भाई ने कि भाई कॉमेडी से बिल्कुल अलग हो रहे हैं, कॉमेडी छोड़ रहे हैं, तो लोगों ने कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, कितने ज़्यादा डीएम्स आए, लोगों ने स्टोरियाँ शेयर करी, न्यूज़ वालों ने कवर किया, तब जाके भाई बैक आया, मतलब लगाव है पब्लिक को तभी तो, काफ़ी अच्छा यार गाना सही में, शब्दों का भंडार है भाई इन पे, ऐसे तलायुंस तलांजुम के पास है ना भाई जो शब्द हैं, मुतासिर अलग अलग टाइप के भाई वो शब्द है ना वही इनके पास हैं,
फरहान खान के पास भी और मुनावर भाई के पास भी। सही में क्या शब्द है, क्या वर्ड निकले भाई। सही। सो यहाँ तक आ गए भाई, वीडियो लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि मिलते रहेंगे आपसे। और गाना सही में भाई काफ़ी अच्छा, वर्ड जो ना एक एक वर्ड वो समझ आते हैं और आप समझ के उनको इमेजिन कर सकते हो। ऐसी चीज़ भाई लिखाई, ऐसी लिखाई करते हैं मुनावर भाई। मैं पिछले 2-3 ट्रैक पर रिएक्ट कर चुका हूँ, सही में प्योर इमेजिनेटिक लिखाई बोले तो। सो सब्सक्राइब करके जाए मेरे चैनल, मिलते हैं आपसे नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए।